इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अप्रैल 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां कौन सी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 25th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की एल्ट्रॉस, इसकी 5148 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने ये 24th बेस्ट सेलिंग कार थी। एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 6.65 लाख रुपीस एक्सटू होकर 10.80 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। कुछ ही महीनों में इस गाड़ी का एक रेसर एडिशन भी लॉन्च होने वाला है। एल्ट्रॉस या टाटा मोटर्स की ये एक तरह से एडॉप्टेड बच्चा जैसा ही है, क्योंकि टाटा मोटर्स जब भी अपनी गाड़ियों में कुछ भी न्यू टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने वाली होती है ना, तो सबसे पहले एल्ट्रॉस में करती है। जैसे कि DCT ऑटोमेटिक सबसे पहले एल्ट्रॉस में लॉन्च हुआ था, जिसके बाद अभी हाल फिलहाल नेक्सॉन में भी आपको देखने को मिल रहा है। और आजकल आप जो टाटा मोटर्स की गाड़ियों में ड्यूल टैंक CNG सेटअप देख रहे हैं ना, वो भी सबसे पहले इन्होंने एल्ट्रॉस में लॉन्च करा था। लेकिन फिर भी टाटा मोटर्स इस गाड़ी को अपडेट करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। 2020 में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था और अब 2024 चल रहा है, एक फेसलिफ्ट तक इस गाड़ी का लॉन्च नहीं हुआ है। इसके बाद 24th पोजीशन पर है Hyundai की i20। इस गाड़ी की 5199 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने ये कार इस लिस्ट में नहीं थी। एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 7.04 लाख रुपीज़ एशू होकर 12.52 लाख रुपीज़ तक ही मिलाती है। इस गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल इंजन मिल पाता है, लेकिन इसके साथ आपको दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस मिल जाते हैं। 2020 तक यह गाड़ी काफी मस्त थी, जिसके बाद इस गाड़ी का डाउनफॉल शुरू हो गया। 2020 तक इस गाड़ी की आराम से हर महीने 10 से 12,000 यूनिट्स बिकती थी हर महीने। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च होने के बाद क्या ही हुआ वो तो मुझे नहीं पता। अब इस गाड़ी की मुश्किल 5 से 6,000 यूनिट्स बिक पाती है। इसके बाद 23rd पोजीशन पर है किया की कैरेंस। इस गाड़ी की 5328 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने ये कार इस लिस्ट में नहीं थी। एक्सडोम प्राइसेस के साथ ही आपको 10.52 लाख रुपीस इशू होकर 19.67 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। अभी हाल ही में ही ग्लोबल एनकैप वालों ने इस गाड़ी के क्रैश टेस्ट रिजल्ट को पब्लिश करा था, जिस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आने वाले आई बटन को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद 22nd पोजीशन पर है महिंद्रा की XUV700। इस गाड़ी की 6134 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने ये 21st बेस्ट सेलिंग कार थी। एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 13.99 लाख रुपीस इशू होकर 26.99 लाख रुपीस तक मिल जाती है। अभी हाल ही में इस गाड़ी में एक ब्लेज एडिशन को लॉन्च किया गया था, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले हफ्ते की संडे कार्निश की वीडियो में बताया था। इस गाड़ी में दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन मिल जाते हैं, और इन दोनों इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। इसके बाद 21st पोजीशन पर है महिंद्रा की थार। इस गाड़ी की 6160 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने ये 23rd बेस्ट सेलिंग कार थी। एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 11.25 लाख रुपीस इशू होकर 17.60 लाख रुपीस तक मिल जाती है। इस गाड़ी में दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन मिल जाते हैं, और इन दोनों इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन में 4x4 का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। आप देख सकते हैं एक 3-डोर ऑफ रोड SUV एक 7-सीटर प्रीमियम SUV से भी ज़्यादा बिक रही है, यानी कि XUV700 से। जरा सोचो भाई, जब इस गाड़ी का 5-डोर वर्जन आएगा तो क्या ही हालत होगी। तब तो XUV700 का खेल खत्म ही समझो आप लोग। इसके बाद 20th पोजीशन पर है किया की सेल्टॉस। इस गाड़ी की 6734 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने भी ये 20th बेस्ट सेलिंग कार थी। एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 10.89 लाख रुपीस इशू होकर 20.34 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इस गाड़ी में दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन मिल जाते हैं, और इन दोनों इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। भाई अब तो हद ही हो गई। क्रेटा इस महीने जितनी बिकी है ना, उससे आधे से भी कम बिक्री सेल्टॉस की हुई है। क्रेटा और सेल्टॉस ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है सिवाय लुक्स के, जो कि काफ़ी सारे लोगों को सेल्टॉस की लुक्स अच्छी लगती है। तो उस हिसाब से यार एटलीस्ट सेल्टॉस की सेल्स क्रेटा से ज़्यादा नहीं, लेकिन क्रेटा के आसपास तो होनी चाहिए थी। इसके बाद 19th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की टियागो। इस गाड़ी की 6796 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने ये 22nd बेस्ट सेलिंग कार थी। एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 5.65 लाख रुपीस एक्सटू होकर 8.90 लाख रुपीस तक की मिल जाती है, जबकि इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक वेरिएंट 7.99 लाख रुपीस एक्सटू होकर 11.89 लाख रुपीस तक का मिल जाता है। टियागो को भी टाटा मोटर्स ने 2016 में लॉन्च किया था, जिसके बाद 2020 में इस गाड़ी का फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ। तो टेक्निकली अब इस गाड़ी का नेक्स्ट जनरेशन आना चाहिए, लेकिन उसकी कुछ संभावना नहीं है। इसके बाद 18th पोजीशन पर है टोयोटा की इनोवा। इस गाड़ी की 7103 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने ये 15th बेस्ट सेलिंग कार थी। इनोवा में दो वर्जन आते हैं, एक ही इनोवा क्रिस्टा जिसमें कि सिर्फ डीजल इंजन मिलता है, वो भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में, जबकि इनोवा हाई क्रॉस सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिल पाता है, लेकिन इसके साथ आपको दोनों मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शंस मिल जाते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से इनोवा क्रिस्टा 19.99 लाख रुपीस इशू होकर 26.30 लाख रुपीस तक की मिल जाती है, जबकि इनोवा हाई क्रॉस
19.77 लाख रुपीस से शुरू होकर 30.98 लाख रुपीस तक मिल जाती है। इसके बाद 17th पोजीशन पर है मारुति की ग्रैंड विटारा, इसकी 7651 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने 13th बेस्ट सेलिंग कार थी, एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 10.87 लाख रुपीस से शुरू होकर 19.97 लाख रुपीस तक मिल जाती है। इसके बाद 16th पोजीशन पर है ह्यूंडई की एक्सटर, इसकी 7756 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने 19th बेस्ट सेलिंग कार थी, एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 6.13 लाख रुपीस से शुरू होकर 10.28 लाख रुपीस तक मिल जाती है। इसके बाद 15th पोजीशन पर है किया की सोनेट, इसकी 7901 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने 18th बेस्ट सेलिंग कार थी, एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 7.99 लाख रुपीस से शुरू होकर 15.75 लाख रुपीस तक मिल जाती है। इसके बाद 14th पोजीशन पर मारुति की ऑल्टो K10, इस गाड़ी की 9043 यूनिट बिकी है। पिछले महीने की बात करें तो ये गाड़ी 17th बेस्ट सेलिंग कार थी, एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 3.99 लाख रुपीस से शुरू होकर 5.96 लाख रुपीस तक मिल जाती है। इसके बाद 13th पोजीशन पर है ह्यूंडई की वेन्यू, इसकी 9120 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने ये 16th बेस्ट सेलिंग कार थी, एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 7.84 लाख रुपीस से शुरू होकर 13.48 लाख रुपीस तक मिल जाती है। इसके बाद 12th पोजीशन पर है महिंद्रा की बोलेरो, इसकी 9537 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने ये 14th बेस्ट सेलिंग कार थी। बोलेरो में दो वर्जन आते हैं, एक है बोलेरो जिसमें कि आपको सिर्फ डीजल इंजन मिलता है वो भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में, और बोलेरो नियो इसमें भी आपको सिर्फ डीजल इंजन मिलता है वो भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में। एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से बोलेरो आपको 9.90 लाख रुपीस से शुरू होकर 10.91 लाख रुपीस तक मिल जाती है, जबकि बोलेरो नियो 9.90 लाख रुपीस से शुरू होकर 12.16 लाख रुपीस तक मिल जाती है। इस गाड़ी का भी क्रैश टेस्ट अभी हाल ही में किया गया था। इसके बाद 11th पोजीशन पर है टाटा मोटर्स की नेक्सॉन, इस गाड़ी की 11168 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने 10th बेस्ट सेलिंग कार थी, एक्सट्रोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 8.15 लाख रुपीस इश्यू होकर 15.80 लाख रुपीस तक मिल जाती है। इसके अलावा इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक वेरिएंट 14.49 लाख रुपीस इश्यू होकर 19.49 लाख रुपीस तक मिल जाती है। पिछले साल तक यार नेक्सॉन टॉप 5 सेलिंग कार्स की लिस्ट में होती थी, अब 11th पोजीशन पर आकर ये गिर चुकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है टाटा मोटर्स की एक और गाड़ी यानी कि पंच। पिछले साल इस गाड़ी का CNG वेरिएंट लॉन्च हुआ, इसके बाद इस साल इस गाड़ी का इलेक्ट्रिक वेरिएंट लॉन्च हुआ, तो इसके कारण पंच ने इस गाड़ी पर ही पंच मार दिया। तो चलिए एंटर करते हैं टॉप 10 सेलिंग कार्स की लिस्ट में। तो 10th पोजीशन पर है मारुति की वैन इको, इस गाड़ी की 12060 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने ये 12th बेस्ट सेलिंग कार थी, एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 5.32 लाख रुपीस इशू होकर 6.58 लाख रुपीस तक मिल जाती है। इसके बाद 9th पोजीशन पर है मारुति की अर्टिगा, इस गाड़ी की 13544 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने ये 8th बेस्ट सेलिंग कार थी, एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 8.69 लाख रुपीस इशू होकर 13.03 लाख रुपीस तक मिल जाती है। इसके बाद 8th पोजीशन पर है मारुति की बलेनो, इस गाड़ी की 14049 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने ये 6th बेस्ट सेलिंग कार थी, एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 6.66 लाख रुपीस इशू होकर 9.88 लाख रुपीस तक मिलती है। इसके बाद 7th पोजीशन पर है बलेनो की बड़ी बहन यानी कि मारुति फ्रॉन्क्स, इस गाड़ी की 14286 यूनिट्स की है। पिछले महीने ये 11th बेस्ट सेलिंग कार थी, एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 7.51 लाख रुपीस इशू होकर 13.03 लाख रुपीस तक मिलती है। जब फ्रॉन्क्स लॉन्च हुई थी ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि इस गाड़ी की हर महीने 5-6,000 यूनिट्स बिकेंगी, लेकिन आज इस गाड़ी की उससे भी डबल बिक्री हो रही है यानी कि 13-14,000 यूनिट्स की। ऐसा मुझे इसलिए लग रहा था क्योंकि बलेनो एक मोर एस्टैब्लिश्ड ब्रांड नेम है कंपैरेटिवली फ्रॉन्क्स के। इन दोनों गाड़ियों की परफॉर्मेंस, सेफ्टी फीचर्स, कैबिन स्पेस वगैरह वगैरह काफी सारी चीजें सिमिलर है। कुछ डिफरेंसेस है जैसे कि माइलेज जो कि आपको बलेनो में बेहतर मिलता है, और प्राइस जो कि बलेनो का काफी कम है। फ्रॉन्क्स बलेनो से लगभग 1-4 लाख रुपए तक महंगी है, लेकिन आप देख सकते हैं सिर्फ एक SUV के टैग से इस गाड़ी की इतनी बिक्री हो रही है। इसके बाद 6th पोजीशन पर है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, इस गाड़ी की 14807 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने ये 7th बेस्ट सेलिंग कार थी। स्कॉर्पियो में भी दो वर्जन आते हैं, एक स्कॉर्पियो क्लासिक जिसमें कि सिर्फ डीजल इंजन मिलता है वो भी सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में, और दूसरी है स्कॉर्पियो एन जिसमें कि आपको दोनों पेट्रोल और डीजल इंजन मिल जाते हैं, और इन दोनों इंजन में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिल जाता है। साथ ही साथ डीजल इंजन में 4-व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से स्कॉर्पियो क्लासिक 13.59 लाख रुपीस से शुरू होकर 17.35 लाख रुपीस तक मिल जाती है, जबकि स्कॉर्पियो एन
13.60 लाख रुपीज से शुरू होकर 24.54 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। इसके बाद फिफ्थ पोजीशन पर है ह्यूंडई की क्रेटा। इस गाड़ी की 15,447 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने सेकंड बेस्ट सेलिंग कार थी। एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 10.99 लाख रुपीज से शुरू होकर 20.45 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। इसके बाद फोर्थ पोजीशन पर है मारुति की डिजायर। इस गाड़ी की 15,825 यूनिट्स की है। पिछले महीने भी ये फोर्थ बेस्ट सेलिंग कार थी। एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 6.56 लाख रुपीज से शुरू होकर 9.39 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। इस गाड़ी का भी नेक्स्ट जनरेशन मॉडल इसी साल लॉन्च होने वाला है, लेकिन वो अभी नहीं सितंबर या फिर अक्टूबर तक लॉन्च होगा। इसके बाद थर्ड पोजीशन पर है मारुति की ब्रेजा। इस गाड़ी की 17,113 यूनिट्स की है। पिछले महीने ये नाइन्थ बेस्ट सेलिंग कार थी। एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 8.34 लाख रुपीज से शुरू होकर 14.14 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर है मारुति की वैगनआर। इस गाड़ी की 17,850 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने यह थर्ड बेस्ट सेलिंग कार थी। एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से आपको 5.54 लाख रुपीज से शुरू होकर 7.38 लाख रुपीज तक की मिल जाती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते अप्रैल 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में। तो ये है टाटा मोटर्स की माइक्रो एसयूवी पंच। इस गाड़ी की 19,158 यूनिट्स बिकी है। पिछले महीने भी ये टॉप सेलिंग कार थी। एक्सडोम प्राइसेस के हिसाब से इस गाड़ी का पेट्रोल वेरिएंट 6.13 लाख रुपीज से शुरू होकर 10.20 लाख रुपीज का मिल जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक 10.99 लाख रुपीज से शुरू होकर 15.49 लाख रुपीज तक ही मिल जाती है। तो ये थी अप्रैल 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 गाड़ियां। आने वाली वीडियो से आपको पता चलेगा कि अप्रैल 2024 की सबसे ज्यादा बिकने वाली 25 SUVs और सबसे कम बिकने वाली गाड़ियां कौन सी है। तो मिलते हैं उन वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय।